जी दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं दांतों की एक ख़ास दुआ, ख़ास नुस्खा, जिसको बनाना बहुत आसान है और इसके जो रिजल्ट हैं बेकमाल हैं। बहुत ही बढ़िया नुस्खा है और बनाकर यूज़ करने वाला नुस्खा है। हमें भी ये बहुत मुश्किल से मिला था। हमारे इधर एक बुज़ुर्ग थे, वो बनाते थे और ये काफ़ी लोग उनके पास ये नुस्खा लेने आते थे। तो बहुत ही काम का नुस्खा है। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये नुस्खा अगर आपने बना लिया तो ज़िंदगी भर आपको दांतों की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बनाने में भी आसान है, तो मैं इसकी पूरी विधि बताता हूँ आपको। आपको लेना है 100 ग्राम फिटकड़ी, 10 ग्राम नीला थोथा और 50 ग्राम नींबू का रस। नींबू के रस के साथ फिटकड़ी और नीले थोथों को थे को खरल करना है आपको। खरल कर लें, जिनके पास खरल नहीं है, आम लोग हैं तो उसको घर में मिक्सी में पीसकर कपड़े से छान कर इसके अंदर नीला थोथ नींबू का रस मिला दें। नीले थोथे और फिटकड़ी को इकट्ठा पीस लें। इसके बाद आप एक कढ़ाई लें, कढ़ाई के अंदर सारा मिश्रण डाल दें और नीचे आग जला दें। उसके ऊपर कोई अगर आपके पास कोई प्लेट या कोई आपके पास मिट्टी का कोई बर्तन अगर हो तो डाल दें, नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं है। इसको आप कम से कम 1.5 से 2 घंटे इसके नीचे आग जलाएं। जब इस सारा पानी फिटकड़ी और नीले का सूख जाएगा, नींबू का पानी का भी असर निकल जाएगा इसमें से, और ये आपको एक टिक्की सी बनके मिलेगी। आपने क्या करना है कि इस टिक्की को दोबारा से मिक्सी में डालना है और इसको पीस लेना है। पीसने के बाद इसका वजन करना है, जितना वजन हो उसके बराबर, नहीं तो ऐसे भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं अंदाजे से 30 ग्राम तक बादाम के जो छिलके होते हैं, बादाम की गिरी के आप निकाल लेते हो तो छिलके बचते हैं, उनको कोयला कर लें। चाहे तवे के ऊपर रखे, नीचे आग जला दें तो वो कोयला हो जाते हैं तवे के ऊपर ही। तो वो आप लेने हैं आपको 30 ग्राम। इसके अंदर आपने माजू डालना है। माजू बिना सुराख हो, ताज़ा हो, वो उसको भी कपड़े से छान लें अच्छे से। जितनी इसकी बारीक करेंगे उतना आपको इसको यूज़ करने में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, कोई तंगी नहीं आएगी, यूज़ करना आसान होगा, बढ़िया लगेगा आपको। तो माजू को अभी चूर्ण बना लें। और इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है हल्दी 30 ग्राम और 10 ग्राम काला नमक। ठीक है, इस सभी जो पीसने वाली औषधियाँ अलग अलग पीस लें, फिर एक जगह पे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको किसी कांच की डब्बी में संभाल कर रखें। इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ अपनी क्लिनिक के ऊपर। तो दांतों का डॉक्टर मैंने इसका नाम रख रखा है अपने क्लिनिक पर। तो इसका क्या करना होता है, आप दांतों के मसूड़ों के ऊपर हल्के हाथ से इसकी मसाज करें। जिनके दांत पीले हैं वो दांतों के ऊपर इसको अच्छे तरह से रब करें, और जिनके दांतों में कैलकुलस जमता है, दांतों में तेज़ झंझनाहट होती है, ठंडा गर्म लगता है, वो मसूड़ों के ऊपर इसकी मसाज करें। तो देखेंगे कि आपको 2 से 3 दिन के बाद ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। इसको रेगुलर यूज़ किया जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। आप जो भी टूथ ब्रश यूज़ करते हैं उसके बाद इसकी मसाज दांतों के ऊपर ज़रूर करें। तो ज़िंदगी भर आपको दांतों की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, दांतों के डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, हमारे लिए दुआ करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।